नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ, आप देख रहे हैं डी टॉक। सभी आप लोग बहुत दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि गूगल पिक्सल लॉन्च किया, बहुत अच्छा फ़ोन है, इंडिया में आया, फीचर्स वाइज, कैमरा वाइज इट्स ए सुपर फ़ोन, बट इतना प्राइसी क्यों है यार? इतना प्राइस होने का क्या मतलब है? या फिर सचमुच के ये सब फ़ोन बनाने में इतना कॉस्ट पड़ता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। या फिर iPhone 7 के बारे में आप पूछ लीजिए, या फिर iPhones के बारे में आप पूछ लीजिए जो इतना प्राइसी होता है। तो ये सब फ़ोन क्या इतना एक्सपेंसिव होता है? हालांकि आज मैं आईफोन के बारे में नहीं बात करूंगा, स्पेशली बात करूंगा आपका गूगल पिक्सल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आपका गूगल पिक्सल का प्राइस कितना है। अभी गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल जो एक्सेल है वो विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। अगर गूगल पिक्सल एक्सेल का प्राइस देखा जाए, उसका 128 GB का वेरियंट है, उसका प्राइस है लगभग 76,000। यस, 76,000 रुपीज़ उसका प्राइस है। और एक्सेल का जो आपका 32 GB का वेरियंट है, उसका दाम है लगभग 67,000। और अगर आप गूगल पिक्सल के बारे में देखिए, गूगल पिक्सल का 128 GB का आपका दाम है 66,000 रुपीज़। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका गूगल पिक्सल का आपका 32 GB का वेरियंट देखा जाए, दैट इज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 57,000 रुपीज़। सो इसका प्राइसिंग आपका स्टार्टिंग होता है 57,000 रुपीज़ से 76,000 रुपीज़ तक, अलग अलग जो मॉडल के उसके ऊपर। सो डेफिनेटली हम लोग हमेशा बात कर रहे थे जब से ये पिक्सल लॉन्च हुआ या फिर अनाउंस हुआ कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो क्या सही में ये सब फ़ोन बनाने में इतना खर्चा होता है? 60-70-80 हज़ार रुपये, जैसे आपको पता है 70-80 हज़ार रुपये में एक बाइक आ जाता है, आपका 2-व्हीलर आ जाता है इंडिया में। तो आप सोच सकते हो कि ये सब फ़ोन बनाने में कितना कॉस्ट, या फिर कंपनी इसमें कितना प्रॉफिट कर रही होगी। यार अगर इतना खर्चा नहीं है तो डेफिनेटली वो लोग पैसा तो ले रहे हैं यहाँ पर। सो कितना खर्चा, इवन आप अगर फ्लिपकार्ट में जाएंगे आपको एक्सचेंज का भी कोई ऑफर नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्टली आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। अभी शायद 10% का ऐसा कुछ डिस्काउंट दिया है। जहां तक आपका गूगल पिक्सल एक्सेल का आपका मेकिंग कॉस्ट का सवाल है, एक सूत्रों से जो इन्फॉर्मेशन मिला है, गूगल पिक्सल एक्सेल का मेकिंग कॉस्ट पड़ता है $285.75, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 19,100 रुपीज़। एग्जैक्टली 19,100 रुपये पड़ता है इसको बनाने में। अगर ये 19,100 रुपये को हम लोग डिवाइडेड करें 18,584 रुपये के आसपास, मतलब 18,500 रुपये आप पकड़ लो, चार्ज लगता है आपका मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल इसका लगता है बनाने में, और बाकी जो आपको 500-550 रुपये लगता है, वो आपका लगता है कन्वर्शन कॉस्ट। एग्जैक्टली कन्वर्शन कॉस्ट एक लगता है, वो लगता है लगभग आपका 500-550 रुपये। तो आप सोच सकते हो 19,100 रुपये और हम लोग पे कर रहे लगभग 60-70 हज़ार रुपये। तो इसका अगर उनका प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग उनका प्रॉफिट एक फ़ोन में हो रहा है लगभग 32-33 हज़ार रुपये, जो बाहर का प्राइस है, क्योंकि बाहर में ये फ़ोन आपका बिक रहा है लगभग कोई 51,000 ऐसा कुछ। इंडिया में वही वाला वर्षन आपका बिक रहा है लगभग 60-65 हज़ार रुपये में, इंडिया में लगभग 10-15 रुपये ज़्यादा प्राइस में ये बिक रहा है। तो आप सोच सकते हो गूगल एक फ़ोन पे लगभग 32-35 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, विच इज़ ए वेरी हाई प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। इंडिया में तो डेफिनेटली वो 67,000 में आपका लॉन्च हो, विच इज़ क्लोज टू लाइक $1,000। सो आप सोच सकते हो ये जो प्राइस का डिफरेंस है या फिर मेकिंग कॉस्ट है, ये हेल एंड हेवन डिफरेंस है। इनफैक्ट जैसे बहुत सारे प्रेस न्यूज़ में भी ऐसा कुछ पता चला है कि वो लोग इतना प्राइस किए टू लाइक फॉर आईफोन 7 प्लस का जो स्टैंडर्ड है अभी, उनका बहुत प्राइस ही होता है आईफोन का। फोन्स जो भी नया अभी लॉन्च हो रहा है 60-70 हज़ार से नीचे तो नहीं होता, तो उसके हिसाब से वो टक्कर देने के लिए या फिर उसके लेवल में लाने के लिए उसको इतना प्राइस ही किया गया है। लेकिन आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मुझे तो काफ़ी गलत लगा, क्योंकि अगर आप अच्छा फीचर्स देंगे कम प्राइस में, डेफिनेटली सबको आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरे हिसाब से ये अगर फ़ोन आपका 35-40 हज़ार रुपये के अंदर होता तो डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट गुड, लेकिन अबाव 40-50 हज़ार रुपीज़ आई थिंक इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, वेरी प्राइसी फ़ोन हो जाता है। एंड्रॉयड डिवाइसेस में इतना पैसा खर्चा तो बहुत ही कम लोग हैं, डेफिनेटली वो लोग करेंगे। इसीलिए रिसेंटली उनका जैसे आपका रिस्पॉन्स भी कम है, रिसेंटली वो लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं आपका फ्लिपकार्ट में। सो ये था आपका एक छोटा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो अबाउट गूगल पिक्सल, उसका प्राइसिंग, मेकिंग कॉस्ट, ये सब मिला कि छोटा सा मैंने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया। सो इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू डेटा डॉक फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर ऑल्सो विच इज twitter.com/datadog15, और यू कैन लाइक अवर फेसबुक पेज ऑल्सो विच इज facebook.com/datadog। सो अभी तक के लिए इतना ही, दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।